और 31 दिन से प्रदर्शन कर किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने एक बार फिर से आमंत्रित किया है। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक बैठक बुलाई है। कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान कृषि कानून को वापस करने की मांग को लेकर 31 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए एक बार फिर से आमंत्रित किया है और साथ ही उनसे तारीख व समय भी पूछा है। सरकार की ओर से भेजे गए पत्र पर मंथन के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में 40 किसान संगठन के नेता भाग लेंगे। इस बैठक में ही आगे को लेकर रणनीति तय होगी। एक किसान संगठन के नेता ने कहा कि सरकार को क्या जवाब देना है, इसका आखिरी फैसला तो संयुक्त मोर्चा की बैठक में होगा। और अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में गुंडागर्दी जमकर हुई। दबंगों ने रेस्टोरेंट में बवाल मचा दिया। रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में कैद हुई है गुंडों की दबंगई की ये तस्वीर, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है अपने ही देश में। घिरे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली, और प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ बीरगंज में प्रदर्शन हुआ है। नाराज लोगों ने पीएम ओली का पुतला जलाया है। पीएम ओली के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। तो पीएम ओली के खिलाफ लगातार नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है। नाराज लोगों ने एक बार फिर से बीरगंज में पीएम ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उनका पुतला दहन किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।